प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि बंगाल में इस बार लोकसभा चुनाव में टीएमसी का किला दह जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोदी के 2.5 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो में दिखाई भी दिया कि बीजेपी इस बार बंगाल में बंपर सीटें जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद के घर के करीब से गुजरे तो राजा राममोहन राय के घर के पास से भी निकले। ममता दीदी के लिए ये कड़ा संदेश भी है। हालांकि ममता बनर्जी भी सातवें दौर के चुनाव से पहले इसी रास्ते से बड़ा रोड शो करके चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं। अब बंगाल पर्दे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है तो हम बीजेपी को भी उत्तर देंगे, ये हमारा वादा है। टीएमसी ने सीएए के खिलाफ भी झूठ फैलाया है। खेला होगा, खेला होगा। बंगालीर मोने मोदी, इस थीम के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता में पीएम मोदी के रोड शो के दोनों ओर इतना हुजूम उमड़ा हुआ है जिसे देख विरोधी खेमे में खलबली भी हो सकती है। तस्वीरें टीएमसी को कड़ा संदेश देती दिख रही हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो यहाँ श्याम बाजार मोड़ से लेकर स्वामी विवेकानंद के घर तक हो रहा है। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में चारों ओर भगवा और कमल के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी बंगाल में टीएमसी सरकार पर जमकर बरसे भी। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बंपर सीट जीता कर देगी, सबसे ज्यादा सीटें जिताएगी। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी पूरी तैयारी के साथ और पूरी ताकत के साथ बीजेपी पर हमला बोल रही है। आज भी याद रखना बांग्ला ही रहा है, इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। अब मेरी गारंटी है। पीएम मोदी बंगाल के हर क्षेत्र से बंगाल के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस बार टीएमसी और इंडी वालों के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आज के रोड शो के बाद कल लगभग इसी जगह से ममता बनर्जी भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, यानी वो भी यहीं से रोड शो कर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं ले रही हैं, यानी ममता बनर्जी 4 जून के आसपास खेला होबे की ओर इशारा कर रही हैं। आपको बता दें कि बंगाल में सातवें चरण में कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, डायमंड हार्बर, जादवपुर, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर की लोकसभा सीटों पर मतदान है। सबसे अहम तो ये है कि इन सभी सीटों पर अभी टीएमसी का कब्जा है। सातवें चरण में बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।